डेटा माइनिंग की एप्लीकेशन में एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को मैं एक एग्ज़ाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करूँगा और फिर देखेंगे कि इसके इम्पॉटेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि वर्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या चीज़ शो कर रहा है वर्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इससे मुराद हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करें अपने पास लेकर आ रहे हैं अब इंफॉर्मेशन क्या होती है इंफॉर्मेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो इन्फ़ार्मेसन वो चीज़ होगी जो यूज़र को नीड है जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ डॉक्टर उस्मान गनी तो अगर मेरा नाम आ जाता है तो मेरी नीड पूरी हो जाती है कि मैं अपने आप को सर्च कर रहा था मे बी काफ़ी सारे डॉक्टर्स और उनका नाम भी उस्मान गनी हो तो वो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी नीड को कौन सी क्यूरी फुलफिल कर रही है तो इन्फॉर्मेशन ट्रीवल से मुराद क्या है कि आपने नेट पर गए अपनी क्यूरी लिखी आपकी नीड पूरी हो गई यू आर वेल सेटिस्फाइड इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर पिक्चर वाइज देखते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में हमारे पास गिवन क्या है क्योंकि हम जो हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमने अगेन क्या देखना है वट इज़ आवर इनपुट वट इज़ आवर आउटपुट वट इज़ आवर प्रोसेसिंग तो गिवन या इनपुट हमारे पास क्या है सबसे पहले ये देखते हैं गिवन है अ सोर्स ऑफ टेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स इससे मुराद क्या है कि अगर मैंने उस्मान गनी को नेट पे यूज़ करना है तो उस्मान गनी की इन्फॉर्मेशन पहले ही नेट पे मौजूद होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एक डेटा बेस होनी चाहिए डेटा सेट होना चाहिए इंटरनेट पे जिसमें उस्मान गनी से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए अ यूज़र क्यूरी जो टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकती है आजकल ऑडियो बेस्ड भी है वीडियो बेस्ड भी है लेकिन इन केस हमारे केस में आ यूज़र क्यूरी जैसे मैंने अभी कहा डॉक्टर उस्मान गनी आपने लिखा गूगल पे और उसने यहाँ से सर्च करके लेके आना इसी चीज़ को हमने यहाँ पे फिगर में बताया कि आपके पास एक आई सिस्टम है जो ये प्रोसेसर है जो प्रोसेस करेगा और इसके पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो हमारे गिवन है और ये क्यूरी हमारे पास है अच्छा अब ये वर्क कैसे करेगा अब हमने फाइंड क्या करना है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अ सेट रेंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर रेलिवेंट टू द क्यूरी ये जो आई सिस्टम है ये क्या करेगा ये एक पेज उठा के नहीं लाएगा ये एक रैंकड डॉक्यूमेंट लेके आएगा और ये रैंक डॉक्यूमेंट वन टू थ्री इस तरह रैक्ड होंगे इससे मुराद क्या है कि अगर आप डॉक्टर सुमानी नहीं लिखते हैं तो हो सकता है वो पहला पेज जो आए वो मेरा प्रोफाइल हो और वो हो विद यूएटी लाहौर के लिहाज से जो मेरी मदर uh, यूनिवर्सिटी है मे बी एक और पेज हो जिसके ऊपर मेरी किक्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो बेसिकली क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इन यू लाहौर और एज़ अ कंसल्टेंट काम कर रहा करूँ अल्खाज इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो यू के अंदर ही है और मे बी तीसरा पेज बने जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेज पर पे ले जाए तो अब ये रैंक डॉक्यूमेंट लेके आएगा आई के ऊपर अगर आप मेरी क्यूरी करेंगे तो इस फॉर्म के अंदर तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्या आपने करना है कि आपने एक गिवन एक यूज़र uh, क्यूरी देनी है और आपने फाइंड क्या करना है सेट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स विच आर इन आर रैंकिंग ऑर्डर जो रैंकड है हमारे पास तरतीब से बता रहे हैं कि किस से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको बेहतर मिल सकती है अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन रिट्रील अगर आप करना चाह रहे हो यानी कि इंफॉमेशन रट्रीवल हो लेकिन इंटेलिजेंट हो जो यूजर की नीड को बेहतर तरीके से फुलफिल कर सके तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है अंडरस्टैंड करना मीनिंग ऑफ वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड से मुराद क्या है जैसे अगर आप लेट से लिखते हो कि जी आई वॉन्ट टू बाई कंप्यूटर तो आईआर सिस्टम को इतना क्लेवर होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि बाई और परचेज जो हैं दोनों एक ही चीज़ें इसको कहते हैं जो क्यूरी है उसमें से वो सिनोनिम्स को खुद आइडेंटिफाई करे और उन्हें रिप्लेस करके सिनोनिम के लिहाज से भी रिजल्ट ले एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी से मुराद किया जैसे लट से कि अगर मैंने वर्ड लिखा बैट का जैसे मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू परचेज आई वॉन्ट टू बाई आ बैट तो जो हमारा इंटेलिजेंट आईअर सिस्टम है उसे समझ आ जाना चाहिए कि मैं एक चिमगाड़ नहीं ख़रीदना चाह रहा बल्कि मैं एक बल्ला खरीदना चाह रहा हूँ क्रिकेट के लिए या बेस के लिए तो एक उसे मीनिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए उसे समझ आनी चाहिए ऑर्डर ऑर्डर का मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी हॉट डॉग स्टैंड इन द अम्यूज़मेंट पार्क इसी तरह मैं कहता हूँ हॉट एम्यूजमेंट स्टैंड इन द डॉग पार्क तो अब हॉट डॉग जो है ये हमें समझ होनी चाहिए कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि हॉट डॉग जो है वो कोई खाने की चीज़ है ऑन द अदर साइड ये हॉट एम्यूजमेंट स्टैंड जो है इसका मतलब क्या है कि जो डॉग uh, पार्क एक पार्क का नाम है जिसके अंदर ये हॉट अम्यूजमेंट को जगह है इससे मुराद क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है क्यूरी को रिट्रीव करने के लिए तो ये भी इंटेलिजेंट एजेंट को पता होना चाहिए सिमिलरली दो मैंने यहाँ पे बताया और दो इंटेलिजेंट एजेंट के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए लेकिन फिर भी मैंने दो का और का जिक्र किया यूज़र डिपेंडेंसी इससे मुराद क्या है कि यूज़र को डायरेक्ट फीडबैक चाहिए या इंडायरेक्ट फीडबैक चाहिए फॉर गिवन डाटा और फाइनली अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ द फोर्स अब अथॉरिटी से मुराद क्या है कि अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर रहा हूं और अगर वो किसी लीगल सोर्स है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है एज़ कम्पेयर टू इलीगल सोर्स है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेरी इंफॉमेसन ली और मेरे बारे में सर्च करना चाह रहे हैं और अगर वो इन्फॉर्मेशन यू ई टी के लट्स से कि डब्ल्यू 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 डॉट यू ई टी डॉट ई डी यू डॉट पी के से आ रही है तो वह ज़्यादा ऑथेंटिक होगी एज़ कम्पेयर टू तो अगर मैंने अपनी एक वेबसाइट है उस्मान गनी खान डॉट कॉम तो जो इन्फॉर्मेशन यू के प्लेटफॉर्म से आएगी वो ज़्यादा अथेंटिक होगी ज़्यादा बेहतर होगी बजाय इसके कि जो मैंने खुद अपनी वेबसाइट बनाई होगी तो ये अथॉरिटी की भी इन्फॉर्मेशन आपको आई सिस्टम के लिए ज़रूरी है तो आई सिस्टम को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ क्योंकि ये बिल्कुल हल्का सा डिस्कशन थी कि आई सिस्टम में आपके पास क्यूरी होती है डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको अपनी रिट्रीवल का रिजल्ट चाहिए होता है और फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम जिनको डील करना पड़ता है जिनमें यूजर डिपेंडेंसी अथॉरिटी सिनोनिम रिप्लेसमेंट एंड सॉन तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जब भी आपने एक आई सिस्टम बनाना है